बुधवार को धनबाद महिला थाना के एसआई सत्येंद्र पासवान को एसीबी की टीम ने 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी की टीम जाल बिछाकर सत्येंद्र पासवान को सदर अस्पताल में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पूरे मामले पर मिरर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए एसीबी डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि धनबाद महिला थाना के एसआई सत्येंद्र पासवान के खिलाफ सुधीर साहू द्वारा रिश्वत लेकर केस मैनेज करने की शिकायत के बाद पैसे के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। सदर अस्पताल परिसर में सुधीर साहू नाम के व्यक्ति से केस मैनेज करने के लिए 5,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद 4,000 रुपए पर बात नक्की हुई। इसी दौरान एजीबी की टीम ने सत्येंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। ये धनबाद महिला थाना कांड संख्या 323 है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज है। उसके जो वादी हैं सुधीर साहू, उन्होंने आवेदन दिया था कि केस के जो अनुसंधान करता है उनसे लगातार रिश्वत की मांग कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और पैसे नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में आवेदन का विधिवत सत्यापन कराया गया। सत्यापन उपरांत आज रंगे हाथ 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए महिला थाना के सानी सत्येंद्र पासवान की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी जो है सदर अस्पताल से हुई है, सदर अस्पताल पे ही पैसा का लेन देन हुआ था। मतलब क्या सर, वादी जो है सदर अस्पताल आए हुए थे? नहीं, वो उन्होंने अनुसंधानकर्ता ने कहा कि सदर अस्पताल आओ, हम यहीं पे हैं। 4,000 रुपए लेते हुए रिश्वत लेते हुए, हाँ सदर अस्पताल 5,000 की हुई थी। हाँ 5,000 की बात हुई थी, लेकिन 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आगे इसमें चिकित्सीय जांच कराकर न्यायालय में अग्रसारण किया जा रहा है। बता दें कि विगत कुछ दिनों से एसीबी की टीम सक्रिय होकर निरंतर छापेमारी कर काली कमाई करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में उक्त कार्रवाई की गई है।